500 स्पीकर जो काफी अच्छा सा ऊपर से दिख रहा है और काफी एक प्रीमियम लुक दे रहा है, आप लोग देख सकते हो। और काफी ये हेवी सा है उठाने में, और इसका स्ट्रैप भी मिलता है इसके साथ साथ, जो ये है आप लोग देख सकते हो, ये है जो इस ये स्ट्रैप काफी अच्छा है, नायलॉन का है और मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला स्ट्रैप। गाइस देखा जाए तो इधर के साइड हमें 20-20 वॉट्स का दो स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है शायद, पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा, स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है। हाँ ये देख सकते हैं आप लोग, जो ये स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है 20-20 वॉट्स का, यहाँ पे दो स्पीकर है और इसके ऊपर काफी अच्छा एक कवरिंग किया गया है क्लोथ का, जो मुझे काफी अच्छा लगा। और साइड साइड में आप लोग देखते हो तो ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक के ऊपर रबर का कोटिंग किया गया है प्रीमियम दिखाने के लिए, जो अच्छा लग रहा है। और बैक साइड में ये है ये, और इसके वजह से एक और कोटिंग किया गया है ताकि ये कुछ हाइट से अगर गिरता है तो फिर डैमेज ना हो और प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए प्लास्टिक के ऊपर रबर का कोटिंग किया गया है। और इधर के साइड आप लोग देखो तो इधर के साइड ये मतलब बोट का लोगो मिल जाता है, और इधर के साइड भी सेम चीज़ है, ये काफ़ी हेवी सा है, मतलब 2-3 kg का तो होगा ही। और ऊपर सबसे ऊपर हम लोग देखे तो सबसे यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बहुत सारा बटन मिल जाता है, एक तो ये पूरा ब्लैक में है, ऊपर से ये रेड कलर का ये बटन काफ़ी बड़ा बड़ा दे दिया है, काफ़ी एक यूनिक सा आ रहा है क्योंकि इतना बड़ा बड़ा बटन नहीं होता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले देख सकते हो ये है पावर बटन ऑफ और ऑन करने का, और ये वॉल्यूम कम करने का बटन है, और ये वॉल्यूम को स्टॉप सॉरी ये म्यूजिक स्टॉप करने का बटन है, और वॉल्यूम और तेज करने का बटन है। तो चलिए मैं इसको ऑन करके दिखाती हूँ, तो इसको पहले आपको प्रेस करना पड़ेगा, ये खुद बोलता है। आप लोग सुन सकते हो, your device is ready to pair. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग को ये आपको लाइट दिख रहा होगा ब्लू कलर का लाइट, ये दिखाता है कि ये ऑन है, और यहाँ पे व्हाइट व्हाइट लाइट जो दिखा रहा है ये बैटरी दिखाता है इसके अंदर कितना बैटरी है, तो ये तीनों फुल है, इसका मतलब ये कि ये फुल अभी चार्ज है, और इसको चार्ज होने में 2-3 आवर्स लग जाता है, और ये ऑन ऑफ होते रहता है और ये ऑन का प्रेजेंस दिखाता है। गाइज अगर आप इधर के साइड देखोगे तो यहाँ पे तो मैं बता नहीं भूल गई, एक बोट का लोगो है, और बैक साइड में आप लोग देखोगे तो बैक साइड में ये आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ से ये ओपन होता है, इसके अंदर 10 वॉट का चार्जिंग है, आप चार्ज कर सकते हो 10 वॉट के चार्जर से, तो ये भी रबड़ का ही बना हुआ है, तो ये ऐसे ओपन हो जाता है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये थोड़ा सा हार्ड है, ऐसे घूमता उमता नहीं है, पकड़ना पड़ता है आपको ऐसे। तो इसके अंदर एक USB का केबल मिल जाता है, एक टाइप सी का केबल मिल जाता है, और कुछ बस यही कनेक्ट वगैरह करने का है, और यहाँ पे हेडफोन जैक वगैरह मिल जाता है, ये देख सकते हो आप लोग, इधर कुछ उतना खास नहीं है। तब ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसका क्वालिटी वगैरह और ये मॉडल नंबर वगैरह है, आप लोग जो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और ओवरऑल बात करें तो ये काफ़ी अच्छा है, एक काफ़ी अच्छा इसके अंदर का साउंड है, अभी मैं इसका साउंड भी आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले मैं इसका स्ट्रैप लगा लेती हूँ, इसका स्ट्रैप भी काफ़ी अच्छा सा है, ये ऐसे आपको प्रेस करना होता है, फिर देन उसको ऐसे लगा देना होता है, ये इधर लग गया, तो देख सकते हो ये है कुछ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, एडजस्ट कर सकते हो, और ये काफ़ी हेवी सा है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसका साउंड आपको सुनाती हूँ कैसा है, ये यहाँ पे ऑन है, आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करना होता है, तो आपके आसपास जो जो मतलब होगा ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाला डिवाइस, तो इसका ये स्पीकर का मॉडल का नाम है Stone 1500, तो आपके मोबाइल में Stone 1500 करके आ जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है और देन कनेक्ट हो जाएगा, तो जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये खुद बोल देगा आपको कि ये कनेक्ट हो चुका है, ये मोबाइल से ये कनेक्ट हो चुका है हमारा स्पीकर, तो इसका मैं मैक्सिमम और मिनिमम साउंड आपको सुनाती हूँ। आवाज हो जाता है, ये सबसे इसका लो है आवाज, और यहाँ से आप लोग आवाज बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये मैक्सिमम वॉल्यूम है।
प्राइस अगर ओवरऑल बात करें तो ये काफ़ी अच्छा है और इसका डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा है और आवाज़ का बात करें तो आवाज़ फट फट के नहीं आता है, काफ़ी अच्छा एक पूरा अच्छा सा आता है, कहीं फटता उठता नहीं है आवाज़। तो आप लोग को मैं आवाज़ सुनाई दी हूँ और लुक्स में भी काफ़ी अच्छा है, आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, काफ़ी ट्रैवलिंग के वक्त आपको बिल्कुल ये दिक्कत नहीं आया करने में होगा। और बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छा है, 2 से 3 आवर्स में फुल चार्ज हो जाता है और पूरा अगर आप कंटिन्यू इसको चलाते हैं तो 8 से 9 घंटा ये चल जाता है। तो बैटरी लाइफ भी अच्छा है और प्राइस के हिसाब से भी काफी अच्छा है। अगर आप लोग को ये पसंद आया होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके आप लोग परचेस कर सकते हैं वहां से। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।